व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू दी माई न्यू ब्लॉग। और भाई आज मैं आया हूँ रायपुर साइंस कॉलेज का जो ग्राउंड है वहाँ पे, यहाँ पे लगा हुआ है मेला। और एक्चुअली ये बाइक और कार से रिलेटेड है। और ये इसका नाम क्या है अभी मैं आपको यहाँ जो बैनर लगा हुआ उसको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी सोनपरी को लगा दिया है, ये है हमारा हेलमेट, तो इसको अपने साथ ही लेकर के जाएंगे। तो भाई यही है मेला, जैसे कि आप पढ़ सकते हो, ऑटो एक्सपो राडा ऑटो एक्सपो 2023 इंडिया लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल शो बाई एन ऑटो एसोसिएशन, ये चीज़ है। और देखो इसमें बहुत सारे जो कंपनियां हैं सारे इसमें पार्टिसिपेट करे हैं, लाइक हीरो, होंडा, सुजुकी, टीवीएस, सारी कंपनियां जैसे देख सकते हो, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, टोयोटा, निसान। ऑटो एक्सपो जो लगा हुआ है राडा ऑटो एक्सपो, ये 24, 25, 26 और 27 मार्च 2023 तक चलने वाली है। देखो भाई ये है रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन ऑटो एक्सपो 2023। और यहाँ पे बता देता हूँ उस साइड का जो सेक्शन है वो है पूरा मतलब इलेक्ट्रिक बाइक का और कार का, और ये वाली सेक्शन जो है बीच वाली ये है कार्स का, मतलब पेट्रोल कार का। और जो सबसे साइड वाली सेक्शन है वो है आपका बाइक्स का। तो अपन लोग उधर ही चलेंगे क्योंकि अपन काम का सामान जो उधर ही मिलने वाला है, क्योंकि इधर तो मिलेगा नहीं। ये सेक्शन पूरा बाइक्स का है और इसमें भी इस साइड TVS का है, उसके बाद BMW का है। एंड यहाँ की जो अगर बात करें, यहाँ अगर बाइक करते हो तो जो CG04 जो कोड है, इस कोड में आपका जो RTO होता है उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलने वाली है। समझ रहे हो, RTO जितना लगता है 10,000 लग रहा है तो उसमें आपको 5,000 लगेगा। और ये हमारा फेवरेट सेक्शन है TVS, क्योंकि मैं खुद ओन करता हूँ TVS का बाइक को, TVS राइडर मेरा है। और ये ओन करता है बजाज की पल्सर NS160, वो सबसे लास्ट में है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका, देखो कितनी सारी गाड़ियां हैं। वो है इंटॉक, मेरे दोस्त के पास है, काफी बढ़िया है। और बाकी जो शोरूम में आपको गाड़ियां मिलती है वही देखने को मिलेगी। और ये है TVS की बीस्ट 310, तो बैठ के देख ले भाई, ला फोटो वोटो क्लिक कर देता हूँ तेरा। बाकी ये TVS की जुपिटर है और ये TVS की रॉनी न्यू लॉन्च, मेरा फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट। और ये बाकी नॉर्मल अपाची, और ये स्पेशल एडिशन, ये मेरी फेवरेट, इसे मैं खुद ओन करता हूँ। तो ये हो गई आपको TVS की सेक्शन। और भाई ये देखो सेकंड, असली खजाना तो यहाँ है राजा। ये है BMW 1250 ने 850 है, 850 वो कितना है देखना, वो साइड में लिखा हुआ होगा। ये है BMW 310 RR, ये रेस एडिशन है। और ये कौन सा है देखने दो भाई नाम, क्योंकि भाई BMW का F850 GS। और एक बार लुक देखो क्या तगड़ा लुक आ रहा है। और बड़े बड़े यूट्यूबर इसका इस्तेमाल करते हैं, हम तो छोटे यूट्यूबर है। तो फोटो क्लिक करवाना है तो ले कर देता हूँ। गाड़ी पे कब करवाओगे, खुद की चाहिए, लौंडे को खुद की गाड़ी चाहिए, खुद की। ब्लैक आ रहा है मेरे वीडियो, क्योंकि भाई धूप बहुत ज्यादा है ना इसलिए ब्लैक ब्लैक आ रहा है। और ये GS310 है BMW का, और भाई सारी ही गाड़ियां मतलब ना दिल आ गया है सबके ऊपर। और प्राइस वगैरह की बात और स्पेसिफिकेशन वगैरह की बात इसमें नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ दिखाएंगे आपको बाइक्स बाइक। ये RE का सेक्शन है, रॉयल एनफील्ड का, बसंत मोटर मतलब इनका जो शोरूम है वहाँ का कैटलॉग लगा हुआ है। अब बता इसमें तेरा फेवरेट कौन सा है। हंटर तगड़ी दिख रही है, वो है हंटर 350, और ये भी हंटर 350 है। और ये कौन सा, ये मेरे को सबसे ज्यादा तगड़ा दिखता है, एक क्लासिक 350 भी बढ़िया लग रहा है, ये भी क्लासिक है 350, लेकिन दोनों का ये ग्लोसी में है, ये मैट में है। पसंद कर ले भाई एक आध गाड़ियाँ। ये है सुजुकी वाली सेक्शन, इसमें आपको सारी गाड़ियाँ सुजुकी की मिलेगी। ये सॉल्ड हो चुका है क्या भैया? नहीं नहीं, सॉल्ड लिखा देख नहीं रहा हूँ मैं, भी देखने आया हूँ। अच्छा अभी देखने आया है, सुजुकी। तो अरे भैया वो है नहीं कोई नहीं, क्या इसका प्राइस वगैरह मेरे को नहीं पता। मेरा अभी तक नाम रखा ही नहीं मेरे ही नाम से चलता है, सर्च मारोगे तो आ जाएगा, वरुण देव, BARUNDEO। और ये है सुजुकी का जिक्सर SF, इसका भी काफ़ी मार्केट में पकड़ है अच्छी। और ये है अपना हीरो का सेक्शन। नमस्ते भैया। तो भैया यहाँ से बाइक खरीदने का बेनिफिट बताइए ना, अगर यहाँ से बाइक करते हैं शोरूम से बाइक करते हैं दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। यहाँ RTO में ऑफ है। RTO में ऑफ है, कितना परसेंट? 50%, जो भी RTO प्राइस है ना, हाँ उसमें 50% ऑफ। और पिछली मतलब पिछली बार ये कब ऑर्गेनाइज हुआ था? यहाँ का तो आइडिया नहीं है, तो मैं भैया लोग कई लोग से बात किया हूँ तो बताया कि पिछली बार 2001 में शायद ये ऑर्गेनाइज किया था। हाँ इसलिए मेरे को तो आइडिया नहीं है, 2001 में तो मैं पैदा हुआ मेरे ही जैसा है
तो यहाँ मेला लगा है ना, और शायद ही मतलब ऐसा लगता है कई जगह पे, तो यहाँ पहली बार लगा है, मतलब मेरे पैदा होने के बाद तो पहली बार लगता है यहाँ, पहली बार लगाया। हाँ बाहर बाहर लगता है लेकिन बहुत दूर दूर में लगता है, बट ये अपने घर के पास लगा है तो थोड़ा सूट वूट कर लेते हैं। और इसमें कोई नई नई गाड़ी आई है कि सब शोरूम का ही उठा के लाए? शोरूम का ही, अभी तो कुछ ऐसा लॉन्च वाला नहीं, जूम लॉन्च हुआ है। हाँ नया जूम लॉन्च हुआ है, सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक लॉन्च हुआ है। सुपर, हाँ एक्सटेक भी आई है नई वाली, सुपर स्प्लेंडर का एक्सटेक जो नया वाला वर्जन लॉन्च हुआ है वो उस साइड में है, तो एक बार उसका भी लुक आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज ऑफ हमने उसको कवर नहीं किया है। इस साइड में है सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक, ये सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक है, तो इसका लुक देखो। मेरे चैनल पे मैंने इसका वीडियो अभी तक नहीं बनाया है, बट हाँ इन फ्यूचर आने वाली है इसका वीडियो भी। और ये दोनों मॉडल एक्सटेक की है, बढ़िया लग रही है। अब आओ भाई मेन सेक्शन यामाहा की तरफ। तो भाई मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद यामाहा की बाइक्स आती है, और मेनली ये MT-15। और इसमें एक चीज देखो, ये चीज देखो, नोटिस करो इसको। पहले जो आती थी बहुत बड़ा वाला इसका एलईडी नहीं टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता था, बट अभी इसमें छोटा कर दिया गया है, और साथ में इसके अप एंड डाउन फॉग दिया गया है। और साथ ही अब ये बाइक डुअल चैनल ABS में आती है, तो शायद ये वाली मॉडल डुअल चैनल ABS का ही है, और साथ ही ये R15 का है वर्जन 4। और ये वाली सेक्शन आपको यामाहा की हो गई। इस साइड में भी देखो कलर इसका MT-15 का, ये R15 का वर्जन 4 ब्लू कलर में, और वो देख रहे थे वो व्हाइट और ब्लू में, व्हाइट और ब्लैक में है उस साइड वाला। तो आप इस साइड में आ जाओ होंडा में, होंडा CV350R। भाई इसके अंदर रेडिएटर देखो कितना बड़ा लगा हुआ, मतलब दिख रहा है। ये नेकेड वर्जन में आती है CV350R, और ये होंडा की सेक्शन है, होंडा एक्टिवा ओबेडी, और भी देखो गाड़ियाँ। वो 300R है, ये 350 है, तो ये भी काफी सेक्सी गाड़ी है यार। और उसके बाद ये वाली देखो आप होंडा की CV350F, और ये है होंडा की DU। ये सारी काफी गाड़ियां हैं जो मार्केट में धड़ल्ले से चलती है भाई, इसको कोई रोक नहीं सकता। और मेरा जो सबसे फेवरेट सुजुकी की बर्गमैन, और भाई इसका सीट देखो भाई एकदम, इसका सीट देखना कार जैसा सीट बनाया है। ये प्रोग्राम 24 से 27 तक चलने वाली है, बट ये 5 तक चलेगी जैसा कि इन लोगों ने बताया है भैया लोगों ने। और ये सुजुकी का सेक्शन है, बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है, और फाइनली लास्ट में ये बजाज। तो भाई अभी अपन आ गए हैं मेले के पूरे एंड में, और भाई ये है बजाज वाली सेक्शन, बजाज की गाड़ियां यहां पे मिल जाएगी, केडिया में मिल जाएगी, और देख सकते हो वंदना बजाज का ये वाली सेक्शन है। और यहां पे कौन कौन सी गाड़ियां हैं, सबसे पहले 220F बजाज की पल्सर, और उसके बाद ये है बजाज की पल्सर P150, और यहाँ बहुत सारी गाड़ी है N160, NS125, NS160, और ये जो देख रहे हो NS160 का ओल्ड मॉडल है। और नए वाले में बात करें तो ये है 2023 मॉडल, इसके अंदर आपको अपसाइड डाउन फॉग देखने को मिल जाता है, डुअल चैनल ABS में है, और ये बजाज की एवेंजर है, और भी बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है। यहाँ पे बाइक करने का जो बेनिफिट आपको मिलेगा, RTO में आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा अगर आप यहाँ से बाइक को बाय करते हो। और भी गाड़ियाँ हैं जैसे कि देख सकते हो, ये प्लेटिना है, और ये भी प्लेटिना है, ये भी प्लेटिना है, और ये CT 110X है, ये 125 बजाज पल्सर 125 सारी गाड़ियाँ हैं। ये चेतक है नई वाली इलेक्ट्रिक वाली, और उस साइड में लगे हुए है ड्यूक, ये है बजाज की पल्सर 160 अपसाइड डाउन फॉग वाला डुअल चैनल ABS में आती है। और इधर साइड है आपका KTM RC 200, ड्यूक 125, ड्यूक 250, और ये बड़ा बीस्ट 390।